गणेश, अगली बार बस इतना ध्यान रखना कि दंड को ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ना ताकि तुम्हारा प्रतिद्वंदी उस पर अपनी पकड़ ना बना सके। समझ गया भैया, समझ गया। किंतु आप ये बताइए, मेरी दक्षता और मेरे कौशल से आपका क्रोध समाप्त हुआ? गणेश, तुम मेरे अनुज हो और साथ ही मेरे प्रथम पूज्य भी, और यदि मेरा प्रथम पूज्य मुझे कोई आदेश देगा तो मैं उसका पालन अवश्य करूंगा। किंतु तुम्हारा अग्रज होने के साथ साथ मैं एक योद्धा भी हूं गणेश, इसीलिए मुझे ये ज्ञात करने का अधिकार भी है कि तुम क्यों नहीं चाहते कि हम उस उद्दंड ज्ञानारी से युद्ध करें। क्योंकि भैया, जब ज्ञानारी के पिता दुर्बुद्धि का प्राणांत हो रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा था, मेरे बाद मेरा पुत्र तुमसे युद्ध करेगा, उसके पश्चात उसका पुत्र। ये युद्ध निरंतर चलता रहेगा। दुर्बुद्धि ने अपने पुत्र ज्ञानारी के हृदय में देवताओं के प्रति घृणा का बीज बोया। वो हमसे घृणा करता है, फिर उसका पुत्र भी ऐसा ही करेगा। और यही ऐसी घृणा की परंपरा पिता से पुत्र को प्रदान की जाएगी और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। यदि इसी प्रकार उसके पिता के पुत्र और उसके भी पुत्र से ऐसे ही युद्धरत रहे तो घृणा और ये युद्ध की श्रृंखला तो ऐसे ही स्थापित रहेगी। तुम सर्वथा उचित कह रहे हो गणेश, किंतु असुरों और देवताओं के संघर्ष की परंपरा तो इतिहास के आरंभ से चली आ रही है, इसीलिए मुझे तुम्हारा आशय समझने में कठिनाई हो रही है। तुम कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो, ये स्पष्ट तो करो। भैया, आप उचित कहते हैं। अनेक सदियों से असुरों ने देवताओं के प्रति द्वेष का ही भाव रखा है, किंतु इस परंपरा में मूल परिवर्तन लाने का, असुरों को ये समझाने का कि देवता उनके शत्रु नहीं, इसका अवसर है हमारे पास। हम उनकी घृणा को स्नेह में परिवर्तित कर सकते हैं भैया, और इसका आरंभ हम ज्ञानारी के अल्पायु पुत्र सुबोध से कर सकते हैं। असुरों से व्याप्त घृणा स्नेह में परिवर्तित कर उन्हें निर्मल बनाने के कार्य का आरंभ हम ज्ञानारी के पुत्र सुबोध से करेंगे। ज्ञानारी ने अपने पुत्र में देवताओं के प्रति द्वेष प्रचुर मात्रा में भर दिया है, किंतु यदि हम चाहें तो हम बालक सुबोध को उसकी आसुरी प्रवृत्ति से रिक्त कर उसे सात्विक बना सकते हैं। और यदि हम ऐसा करने में सफल हो गए तो फिर देवता और असुर शांति के साथ विचरण कर सकेंगे भैया। गणेश, शांति से मुझे भी कोई विरोध नहीं है, किंतु किसी असुर को उसकी आसुरी प्रवृत्ति से दूर ले जाना, उसे सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना बड़ा ही विकट कार्य है, और इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए कोई उपाय भी है तुम्हारे पास? हाँ हाँ है ना, किंतु उसका उपाय तो आप हैं भैया। ज्ञानारी के पुत्र बालक सुबोध को भी हिंसा करने में आनंद आने लगा है। किंतु भैया, ज्ञानारी पुत्र असुर बालक सुबोध में अभी भी बाल्य सुलभ सरलता है, जिसे जिस दिशा में ढाला जाए वो ढलता चला जाएगा। इसलिए भैया, यदि उसे उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो तो उसे घृणा के इस बीज को उसके भीतर पनपने से रोका जा सकता है। और ये हम कैसे करेंगे गणेश? हम नहीं, ये आप करेंगे भैया, आप करेंगे उसका मार्गदर्शन।
करने चले थे असुर युवराज सुबोध को। ये बनेंगे वो भी मेरे गुरु। भैया आप एक उत्कृष्ट गुरु हैं। आप कितने धैर्यवान हैं। अभी कुछ ही समय पूर्व हम आपस में ही उलझ रहे थे, किंतु मुझसे क्रोधित अथवा मेरे साथ स्पर्धा में बहने के स्थान पर आप मेरा ही मार्गदर्शन कर मुझे विजय की युक्ति समझा रहे थे। हाँ गणेश, ये अच्छा दाव था। इसी प्रकार आप सुबोध को ज्ञान देंगे भैया, उसे ईश्वर का परिचय देंगे, उसे आदिशक्ति महादेव ब्रह्मदेव एवं श्रीहरि नारायण सबकी महिमा का बोध कराएंगे। गणेश तुम चाहते हो कि मैं बालक सुबोध को शिक्षा प्रदान करूं, किंतु उसके लिए तो मुझे उसके साथ समय व्यतीत करना होगा ना, और ये संभव कैसे होगा? वो एक असुर राजकुमार है, उसकी माता अपने पुत्र को किसी के साथ ऐसे कहाँ छोड़ेगी? अब युक्ति का विचार तो आप ही कीजिए भैया, मैं तो चला भोजन करने। उचित है अनुज, यदि इसमें देवताओं और असुरों के मध्य व्याप्त शत्रुता को मिटाया जा सकता है तो मैं सुबोध का मार्गदर्शन अवश्य करूंगा। ये गिलहरी यहाँ शांति से बैठ के अपना भोजन कर रही है, ये तो अनुचित है। अभी ना इसका अंत कर देता हूँ। अरे रुको, कहाँ भाग रही हो? रुको, अरे रुको, तो कहाँ भाग रही हो? अरे अभी तुम्हें पकड़कर तुम्हारे रक्त बहाने का आनंद लूंगा। रुको, अरे भाग गई। उस दुष्ट गिलहरी का पीछा करते करते ये मैं कहाँ पहुंच गया? ये वन कितना घना है, मुझे तो बहुत भय लग रहा है। मुझे लौटना चाहिए, किंतु किस दिशा में जाऊं? यहाँ से अथवा वहां से कहां जाऊं? कैसे जाऊं? किस दिशा में लौटूं? मां, महाकाय वंचक, इसका सामना मैं कैसे करूंगा?
अभी उचित समय है। इतना बल, वो भी एक साधारण गज में। ओ, तो ये तुम हो। अति उत्तम युक्ति है गणेश। भैया, गणेश तुम यहाँ? ओहो भैया, मुझे भली भांति ज्ञात था आप सुबोध तक पहुँचने की युक्ति नहीं सोच सकेंगे। देखिए ना, आप तो अभी भी यहीं खड़े हैं, इसलिए मैं स्वयं ही यहाँ पहुँच गया ये सोचकर कि क्यों ना आपकी सहायता ही कर दूं। अच्छा, वहाँ कैलाश में तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि भैया युक्ति आप सोचिए, मैं तो चला भोजन करने, अब यहाँ आए बिना तुमसे रहा भी नहीं गया ना। क्या करूं भैया, अत्यंत उदार और कोमल हृदय है जो मेरा, इसीलिए आपकी कठिनाई को सरल बनाने चला आया। अच्छा, आप सचेत रहिए और आगे देखिए। क्यों, ऐसा क्या करने जा रहे हो तुम? क्या करना है ये तो उचित समय आने पर स्वतः ही आपको ज्ञात हो जाएगा भैया। बड़ी शक्ति आ गई है ना तुम में। हाँ, माँ के हाथों के बने मोदक जो खाकर आए हो, है ना? किंतु तब भी मैं तुम्हारा अग्रज ही हूँ। आपको भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना ही था ना, तो अब वो मुझे भी करना ही होगा। पुत्र सुबोध, आप सुरक्षित तो है ना? माँ, गज को शांत कर दिया इन्होंने। गणेश, अब इस क्रीड़ा का अंत भी कर देते हैं। हाँ भैया। भैया ने कितना परिश्रम करा दिया मुझे। मुझे कैलाश शीघ्र पहुंचकर अपना उदर पुनः भरना होगा। मैंने पूछा कौन हो तुम? प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न तो वो है जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि ये बालक कौन है और इसके भीतर इतना अहंकार और ऐसी घृणा का वास क्यों है? ये जैसा है ऐसा किसने बनाया है इसे? ऋषिवर, मैं असुर महारानी
दकिनी हूँ और ये मेरा पुत्र असुर महाराज ज्ञानारी का पुत्र है। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है असुर महारानी देवी दकिनी। आपने मुझे अपना पद और समाज में अपना स्थान बताया, किंतु मेरा प्रश्न तो ये था कि ये बालक कैसे गुण धारण कर रहा है, इसका व्यक्तित्व किस दिशा में जा रहा है। मेरे असुर युवराज सुबोध के व्यक्तित्व पर प्रश्न करोगे तुम? इतना दुस्साहस तुम्हारा? जब दो बड़े गंभीरता से परस्पर संवाद कर रहे हो तो बालकों को मध्य में बोलने की धृष्टता कदापि नहीं करनी चाहिए। समझ गए ना बालक? आश्चर्य, किसी ने प्रथम बार अपने कथनों से मेरे उदंड बालक को प्रभावित कर उसे शांत किया है। कौन है ये ऋषि? ऋषिवर, मेरे पुत्र सुबोध को हमारे संवाद में उसके इस असमय हस्तक्षेप के लिए क्षमा करें। आपने उचित समय पर इसकी रक्षा की, जिसके लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। आप मुझे अपना परिचय देने की कृपा कीजिए ऋषिवर। बताइए मुझे, कौन है आप? मैं ऋषि स्कंद हूं देवी। अपना तप संपन्न कर मैं अपने गुरुकुल के लिए एक उपयुक्त स्थान ढूंढ रहा हूं। ऋषिवर, तब तो आपकी चिंता का निवारण हो गया। आप अपना गुरुकुल यहीं स्थापित कर लीजिए। इसी प्रकार मेरे पुत्र सुबोध को आपसे शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। माँ, पूर्व में ही मेरे दो दो गुरु हैं, तो मुझे किसी अन्य गुरु की क्या आवश्यकता? और वैसे भी ऐसा क्या है जो कोई गुरु मुझे सिखा सकता है? मुझे तो सब ज्ञात है। बालक सुबोध, यदि तुमने अपने गुरुओं के सिखाए पाठ को आत्मसात किया होता तो तुम्हें अवश्य ज्ञात होता कि कोई शिष्य अपने गुरु का चुनाव नहीं करता, अपितु यह तो शिष्य का सौभाग्य होता है कि उसका उचित गुरु उसको शिष्य के रूप में स्वीकार करता है। देवी, आपका पुत्र मुझसे शिक्षा प्राप्त करने के योग्य नहीं है और यह स्थान मेरे गुरुकुल के लिए उचित नहीं है, इसीलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। संपूर्ण देव और असुरों का भविष्य अब आपके ही हाथ में है भैया। आशा है इस बार आप बिना युद्ध किए ही विजयी होंगे। पुत्र, मैं तुम्हारी माँ हूँ जो तुम्हारे भविष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहती है। अपने लिए नहीं, अपनी माँ के लिए अपने अहंकार का परित्याग कर दो और सम्मान सहित ऋषिवर को रोक लो। आवश्यकता तो नहीं, किंतु माँ मुझसे निवेदन कर रही है तो रोक लेता हूँ इन्हें। ऋषिवर, मुझे क्षमा कीजिए और कृपा कर मुझे अपने शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए। ज्ञानारी,
तुम यहाँ क्यों आए हो? ब्रह्मदेव, आज प्रश्न आप नहीं मैं पूछूंगा। बताइए मुझे, कहाँ है गणेश? कहाँ छिपा है वो? ये तो बड़ी उत्तम बात है ज्ञानारी। तुम्हारा गणेश को ढूंढना तो सर्वथा उचित है। गणेश को ढूंढना तो ईश्वर को ढूंढने के समान है, और ईश्वर को ढूंढना तो प्रत्येक प्राणी का परम लक्ष्य होना चाहिए। प्रवचन नहीं ब्रह्मदेव, उत्तर चाहिए मुझे। मैं किसी ईश्वर को ढूंढने नहीं निकला हूँ, गणेश चाहिए मुझे। बताइए कहाँ स्थित है वो? आइए आइए ऋषिवर, गुरुकुल में आपका स्वागत है। ऋषि स्कंद, अब से आपको यही इसी गुरुकुल में स्थित रहना है। देवी, मुझे वन में ज्ञात हुआ था कि बालक सुबोध के दो गुरु पूर्व से ही हैं। उन दोनों का तो कार्य यहाँ से समाप्त हो गया नवीन गुरुदेव। अब तक तो वो लोग अपनी पोटली बांधकर यहाँ से प्रस्थान भी कर गए होंगे। महारानी दकिनी, प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम प्रणाम। ऋषि हरित, ऋषि अद्वैत, ये हैं ऋषि स्कंद, जिन्होंने सुबोध को शिक्षा देने का मेरा निवेदन स्वीकार किया है। ऋषिवर, आप दोनों को कहीं प्रस्थान करने की आवश्यकता नहीं है। आप दोनों यहीं रहकर बालक सुबोध की शिक्षा में मेरा हाथ बटा सकते हैं। ऋषि स्कंद, युवराज सुबोध तो अत्यंत ही बुद्धिमान और विवेकी बालक हैं। बुद्धिमान तो मैं हूँ, दो दो गुरुओं को एक साथ यहाँ से प्रस्थान करने पर विवश जो कर रहा हूँ। किंतु कदाचित हम ही उन्हें शिक्षा देने में अक्षम हैं। ऐसे किसी व्यक्ति ने इस धरा पर जन्म ही नहीं लिया जो युवराज सुबोध का गुरु बन सके। जैसे मैं इन गुरुओं को यहाँ से भगा रहा हूँ, शीघ्र ही ये नवीन गुरु भी भागते दिखाई देंगे। सुबोध, ऋषि हरित और ऋषि अद्वैत के चरण स्पर्श कर उनसे आशीष प्राप्त करो। मैं चरण स्पर्श करूं इनका? प्रिय, क्या तुम्हें यहां कहीं गणेश दिखाई दे रहा है? नहीं नाथ, गणेश तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। लो, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया। गणेश तो यहां ब्रह्मलोक में कहीं नहीं है। बस, मुझे मूर्ख समझा है क्या? गणेश से तो मैं बाद में निपट लूंगा, वैसे भी मुझे सभी देवताओं का अंत करना है। तो क्यों न मैं आप दोनों से ही आरंभ करूं? क्यों न मैं आप दोनों से ही आरंभ करूं? क्यों न मैं आप दोनों से ही आरंभ करूं? अरे वाह, इतना भीषण आतंक है मेरा कि सभी भयाक्रांत हो रहे हैं मुझसे। वहां कैलाश में भी सभी मेरे भय से
कहीं भागकर छुप गए और यहाँ ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव और देवी सरस्वती मुझसे अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए कहीं अदृश्य हो गए। कितने भीरू हैं ये देवता, मुझे देखकर भागकर छिप रहे हैं। ये तुम्हारे गुरु रहे हैं, इन्होंने तुम्हें शिक्षा प्रदान की है और अब तुम एक नवीन गुरु के साथ अपनी शिक्षा की नवीन यात्रा प्रारंभ कर रहे हो। इसीलिए अपने गुरुओं का आशीष प्राप्त करना तो तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। आपको ज्ञात भी है आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे असुर युवराज सुबोध को इनके चरण स्पर्श करने के लिए कह रहे हैं? कदापि नहीं। पुत्र, मुझे आशा है तुम वही करोगे जो उचित है। कदाचित माँ मेरे इस व्यवहार से असंतुष्ट प्रतीत हो रही है, किंतु एक साधारण से ब्राह्मण के चरण मैं असुर युवराज होकर गलत कैसे स्पर्श कर सकता हूँ? पुत्र गणेश, तुम्हारे सुझाव पर हम ब्रह्मलोक से अदृश्य होकर यहाँ आ गए। पुत्र गणेश, ऐसे कितने समय के लिए अदृश्य रहेंगे हम? ज्ञानारी तो तुम्हें सर्वत्र ढूंढ रहा है। बुआ जी, यदि मैं चाहूँ तो अभी मैं ज्ञानारी का वध कर सकता हूँ, किंतु उससे क्या लाभ होगा? ज्ञानारी के वध से ज्ञानारी का पुत्र सुबोध देवताओं से प्रतिशोध लेने के लिए प्रेरित होगा, हम पर आक्रमण करने आएगा और ये परस्पर घृणा, शत्रुता, रक्तपात की श्रृंखला अनंत काल तक निरंतर चलती रहेगी। घृणा से घृणा का अंत नहीं हो सकता, वो मात्र प्रेम से हो सकता है, स्नेह से ही संभव है। ये इस घृणा को समूल नष्ट कर देने की हमारी योजना क्रियान्वित हो चुकी है और मुझे ज्ञात है भैया उसे सफल बनाने हेतु पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। घृणा के बीज को नष्ट कर इस भावना को अंकुरित नहीं होने देंगे वो, और उसके स्थान पर ज्ञानारी के पुत्र सुबोध के हृदय में प्रेम और भक्ति का भाव भर देंगे। सम्यार्थ रहो, संपन्न रहो, समृद्ध रहो। ये अचानक कैसे विचित्र सुख का आभास हुआ मुझे, इन गुरुओं के शब्दों ने जैसे मेरे हृदय को शांत कर दिया। एक विचित्र से दुख का भी आभास हो रहा है मुझे। पुत्र सुबोध, जब हम कोई अनुचित कर्म करते हैं, किसी को आहत करते हैं, किसी को सताते हैं, तो हमारे भीतर एक क्षणिक आनंद की अनुभूति होती है, किंतु वो आनंद स्थायी नहीं होता, क्योंकि किसी अन्य की पीड़ा से उस आनंद का अनुभव स्थायी रह ही नहीं सकता। व्यक्ति को वास्तविक आनंद की अनुभूति तो तब होती है जब हमारे कर्मों से किसी अन्य को आनंद का आभास हो। वो सुख और शांति स्थायी होते हैं। ये क्या सत्य है? ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि गुरु रूप में ऋषि स्कंद स्वयं मेरे समक्ष आ गए। अब मेरे पुत्र को योग्य गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा देखकर स्वामी भी कितने प्रसन्न होंगे। चलिए प्रिय। कहाँ स्वामी? ज्ञानरी वैकुंठ पहुंच चुका है, यह ज्ञात करने कि गणेश कहाँ है। यहाँ के पूर्व ज्ञानरी ब्रह्मलोक गया था। ब्रह्मदेव ने उससे दो शब्द क्या कह सुन लिए, वो क्रोधित हो गए। अब इसके पूर्व कि मैं उससे वार्तालाप करूं और वो और क्रोधित हो जाए, हमें यहां से प्रस्थान करना चाहिए। नारायण!
मुझे, गणेश कहाँ है? पुत्र सुबोध, आज से तुम्हारा शिक्षण प्रारंभ होगा, किंतु उसके पूर्व तुम्हें स्वयं को प्रमाणित करना होगा कि तुम उसके योग्य हो। सुबोध। गुरुवर, ये प्रवचन मुझे अरुचिकर प्रतीत होता है, इनमें मेरा ध्यान नहीं लगता। तो तुम्हारी रुचि किसमें? मुझे तो युद्ध करना बहुत भाता है। मैं इन सभी बालकों को युद्ध में बड़ी सरलता से परास्त कर सकता हूँ। अच्छा, तब तो हमें वही करना चाहिए जिसमें तुम्हारी रुचि है ना? हाँ। सुबोध, तुम सभी बालकों से अकेले युद्ध करेगा, उचित है? तुम सभी अपने अपने अस्त्र अपने हाथों में धारण कर लो। रुक जाओ। सुबोध, तुम आज काट के खड़क से ही युद्ध करोगे और तुम सभी अन्य बालक वास्तविक खड़क का उपयोग करेंगे। ये कैसा अन्याय है गुरुवर? मैं युवराज हूँ और मैं वास्तविक खड़क का प्रयोग करता हूँ। मेरे गुरुकुल में तुम युवराज नहीं, मात्र मेरे शिष्य हो। और वैसे ये तो तुम्हारा ही कथन था ना कि तुम्हें युद्ध करना भाता है। तो क्या हुआ, यदि इतने ही पराक्रमी वीर हो तो काट के ही खड़क से युद्ध करो इनसे। काट का खड़क है तो क्या हुआ, मैं तो इसी खड़क से इन सभी को धूल चटा दूंगा। अब युद्ध आरंभ करो। बालकों, स्वयं को रोको मत, वार करो, युद्ध करो। पीछे क्यों हट रहे हो? वार करो मुझ पर। अब तो तुम्हारे पास वास्तविक खड़क भी है, युद्ध करो मुझसे। तुम्हारे पास कितना उत्तम अवसर था मुझ पर वार करने का, फिर रुक क्यों गए? कहीं आप आहत ना हो जाए। किंतु मैं तो तुम पर वार कर रहा हूँ, निरंतर तुम्हें आहत कर रहा हूँ। और आज से पूर्व भी जब भी हमने युद्ध का अभ्यास किया है तो मैंने तुम्हें वास्तविक खड़क से आहत किया। हम नहीं चाहते थे हमारी वजह से आपको चोट पहुँचे,
इसलिए हमने कभी आप पर वार नहीं किया। अर्थात मैं कल तक जो इनके साथ कर रहा था वो अन्याय था, स्वार्थपूर्ण अन्याय, वो भी उनके साथ जो मुझे तनिक भी अहित होने नहीं दे सकते हैं। मेरे विचार से आज के लिए ये अभ्यास पर्याप्त, इसीलिए अब आप सभी वहां वाटिका में जाकर क्रीड़ा कीजिए। क्या हुआ पुत्र सुबोध, ऐसे स्तब्ध क्यों खड़े हो? गुरुदेव, मैंने सदैव इनके साथ निर्दयता का व्यवहार किया, इनको कष्ट भी पहुंचाया। आज जब इनके पास मुझ पर वार करने का अवसर था, मेरे द्वारा इनको पहुंचाए गए कष्ट का प्रतिशोध लेने का अवसर था, तो इन्होंने अपने आप को रोक लिया। किंतु क्यों गुरुदेव, उन्होंने ऐसा क्यों किया? प्रणाम मामा श्री। प्रणाम मामी जी। लो पुत्र गणेश, हम भी वैकुंठ से यहाँ आ गए, अब बताओ क्या करना है? मामा जी, मुझे विश्वास है अब ज्ञानारी स्वर्ग लोक जाएगा। देवताओं से मेरे बारे में प्रश्न करेगा, कदाचित वो क्रोधवश उन पर आक्रमण भी कर दे और देवता उसके प्रति उत्तर में उससे युद्ध करेंगे। किंतु यही तो नहीं चाहते हो पुत्र गणेश तुम, कि देवताओं में और असुरों के मध्य एक बार और युद्ध हो? हाँ फूफा जी, इसीलिए तो मुझे अभी इसी क्षण देवराज इंद्र के पास जाकर इस विषय में चर्चा करनी होगी। मुझे तत्काल देवराज इंद्र और अन्य देवताओं को जाकर ये समझाना होगा कि हिंसा का प्रत्युत्तर हिंसा से नहीं अपितु प्रेम और स्नेह से दिया जाना चाहिए, तभी मेरी युक्ति सफल होगी। गुरुदेव, असुर बालकों ने मुझ पर प्रहार क्यों नहीं किया? पुत्र सुबोध, ये अवश्य तुम्हें आहत कर सकते थे, उनके पास तुम्हें आहत करने का अधिकार भी था, किंतु जब किसी के पास ऐसा अधिकार और सामर्थ्य हो पर फिर भी वो उसका उपयोग किसी को आहत करने के लिए नहीं अपितु उसकी रक्षा के लिए करता है, तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। हिंसा प्रतिहिंसा का भाव हमें आनंदित नहीं करता सुबोध, वो तो परस्पर प्रेम ही है जिससे हम आनंदित होते हैं। अब तुम अपने अहंकार से रिक्त हो चुके हो बालक सुबोध, और मेरे शिष्य बनने के लिए तैयार भी हो चुके हो, इसीलिए अब मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूं। गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बना, ये तो मेरा सौभाग्य है। तुम्हारी शिक्षा कल भोर से ही आरंभ होगी। मेरा ये वचन सदा स्मरण रखना युवराज सुबोध, ईश्वर को ढूंढना ही हमारा सर्वोच्च धर्म है। कौन है वो ईश्वर? सर्वप्रथम हम उस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे जो इस समय तुम्हारे मन में चल रहा है। ये आपको कैसे ज्ञात है कि मेरे मन में एक प्रश्न उठा है? इसकी चर्चा भी हम कल भोर में ही करेंगे। गणेश जी, यदि ज्ञानरीप अपनी असुर सेना के साथ स्वर्ग पहुंच चुका है तो हमें यहीं रुककर उसका सामना करना चाहिए, उसे युद्ध करना चाहिए। राजेंद्र, इसका सदैव स्मरण रखिए कि आज के पूर्व भी अनेकों असुर स्वर्ग पर आक्रमण कर यहाँ अपना अधिकार स्थापित कर चुके हैं, किंतु अंततः उनकी पराजय ही होती रही है, क्योंकि दुष्टता और बुराई का अंत होना तो निश्चित ही है। हम ज्ञानारी से युद्ध कर सकते हैं, उसका वध भी कर सकते हैं, किंतु फिर उसका पुत्र प्रतिशोध लेने यहाँ आएगा और हम उसका भी वध कर देंगे।
फिर उसका पुत्र आएगा और ये श्रृंखला फिर निरंतर चलती रहेगी। देवराज इंद्र, इंद्रदेव, स्वर्गलोक को असुरक्षित छोड़कर यहाँ से पलायन करने की इच्छा मेरी भी नहीं है, किंतु गणेश जी का कथन भी सर्वथा उचित है। घृणा और शत्रुता का अंत युद्ध से नहीं होगा। गणेश जी ने एक योजना निर्धारित की, हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। देवराज इंद्र, देखो कौन आया है तुमसे भेंट करने। मैं असुरराज कैनरी। इंद्रदेव, अब सोचने विचारने का समय नहीं है, ये समय निर्णय लेने का है। यदि ज्ञानारी की दृष्टि हम पर पड़ गई, तो युद्ध छिड़ जाएगा और ज्ञानारी की पराजय होगी, और फिर तब ज्ञानारी का पुत्र सुबोध और भी प्रतिहिंसा का भाव लिए यहाँ पहुँच जाएगा। नहीं देवराज, हम ये युद्ध छिड़ने नहीं दे सकते। कहाँ छिपे हो तुम देवता? ब्रह्मदेव, नारायण, यहाँ तक के महादेव भी मुझे देखकर भाग निकले हैं। मुझे नहीं ज्ञान था तुम देवता मुझसे इतने आतंकित हो। इस अभिमानी की धृष्टता का दंड तो इसे मिलना ही चाहिए। देवगण, यही समय है, अभी अदृश्य होना पड़ेगा आप सभी को। यहां भी कोई नहीं है, अर्थात यहां से भी सब भाग खड़े हुए हैं। भीरु देवता, ये तो गणेश जी का आदेश है, अन्यथा इसकी इस उद्दंडता का उचित दंड मैं अवश्य देता। देवता, मेरे डर से सब भाग खड़े हुए। देखिए पिताश्री, मैंने अपना प्रतिशोध पूर्ण किया, अब मैं हूं त्रिलोक का अधिपति, मैं असुरराज ज्ञानारी, मैं त्रिलोक का नवीन राजा हूं, और मेरा पुत्र सुबोध मुझसे भी अधिक सामर्थ्यवान बनेगा, मेरा योग्य उत्तराधिकारी होगा। हम पिता पुत्र संपूर्ण ब्रह्मांड में विजय प्राप्त करेंगे। असुर महाराज ज्ञानारी की, असुर महाराज ज्ञानारी की, असुर महाराज ज्ञानारी की, असुर महाराज ज्ञानारी की। व्यथित ना हो, सब कुशल होगा देवगणों, अब हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। चलिए, भैया, अब हमारी योजना की सफलता, विनाशकारी युद्ध श्रृंखला का अंत, सब कुछ आप पर ही निर्भर करता है। अब गुरुदेव, क्या अब मैं आपसे अपना प्रश्न पूछ सकता हूँ?
हाँ पुत्र, अवश्य पूछ सकते हो। तो मेरी इस उत्सुकता को शांत करने की कृपा कीजिए गुरुदेव। जब ऋषि हरित और ऋषि अद्वैत यहाँ से प्रस्थान कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि किसी भी जीव का परम लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना होता है। कौन है वो ईश्वर? पुत्र, ईश्वर तो निर्गुण है, सर्वव्यापी है, पंचभूतों में है, सूर्य में है, चंद्र में है, सभी पुष्पों में भी वही है और सभी चराचर जीवों में भी है। तो गुरुवर, क्या ईश्वर इस नन्ही सी चींटी में भी है? हाँ पुत्र, ईश्वर तो ब्रह्मांड के कण कण में समाहित है। वो तुम में है, मुझ में है, उस गिलहरी में भी है जिसे तुम कष्ट पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, और उस गज में भी जिसने वन में तुम पर आक्रमण किया था। गुरुवर, आपका ये कथन तो अत्यंत ही रोचक है। आपने कहा कि ईश्वर निर्गुण है, वो सब में है, किंतु क्या उनका कोई अपना स्वरूप नहीं? कभी कभी समय के अनुसार सृष्टि को जब उनकी आवश्यकता होती है तो ईश्वर सगुण रूप भी धारण करते हैं। सगुण रूप धारण करते हैं? जैसे? जैसे उनका सबसे सुंदर, सबसे मनमोहक और अद्भुत रूप श्री विघ्नहर्ता गणेश जी। गणेश जी कौन है वो, और वो कैसे दिखते हैं? अर्ध नारीश्वर रूप में आदि शक्ति एवं महादेव प्रकट होते हैं, जो समस्त सृष्टि के कारक एवं कारण है। उनके इस रूप का अर्थ है ईश्वर ना तो मात्र स्त्री शक्ति है और ना ही मात्र पुरुष शक्ति, अपितु वो उनसे भी सर्वोच्च है, जिनका कोई लिंग या आकार नहीं होता और उन्हीं निराकार परम ब्रह्म के स्वरूप है विघ्नहर्ता श्री गणेश। गणेश जी के नेत्रों में अद्भुत चमक है, उनके मस्तक पर शुभ्र कांति है और उनकी अति सुंदर सूंड भी है। उनका रूप, उनका सौंदर्य मनमोहक अतुलनीय है। गणेश प्रथम पूज्य देव हैं, जिसका अर्थ है किसी भी पूजा में सर्वप्रथम उनकी ही पूजा होगी। वो बुद्धि के देवता हैं और देवताओं के रक्षक भी। वो सहज भक्ति भाव से ही प्रसन्न भी हो जाते हैं। प्रथम पूज्य होने के पश्चात भी वो बहुत ही नटखट भी हैं। वास्तव में वो तो एक बालक ही है। गुरुवर, मैं भी गणेश जी को देखना चाहता हूँ, उनके दर्शन करने को इच्छुक हूँ। अवश्य पुत्र, गणेश जी के दर्शन हेतु तुम्हें उनके मंत्र का उच्चारण करना होगा, और उनके मंत्र का उच्चारण तुम तब तक नहीं कर सकोगे जब तक तुम उसके प्रत्येक अक्षर में डूब नहीं जाओगे। मैं करूंगा जाप अपनी पूरी निष्ठा और भक्ति से। उचित है। ओम गं गणपतये नमः। ओम गण गणपते नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गण गणपते नमः। ॐ गण गणपते नमः। ॐ गण गणपते नमः। असुर महाराज ज्ञानारी की। असुर महाराज ज्ञानारी की। को आपकी त्रिलोक विजय के लिए अनेकों बधाइयां स्वामी। त्रिलोक के अधिपति पद पर आप स्थापित हो गए हैं। ये तो उचित है, किंतु ये तो बताइए, त्रिलोक के युवराज कहां है? कहां है मेरा पुत्र? आपको ज्ञात है स्वामी, सुबोध को एक नवीन गुरु प्राप्त हुए हैं। जब से उन्होंने उसे शिक्षा देना आरंभ किया है, कितने परिवर्तन आ गए हैं उसमें।
परिवर्तन? कैसा परिवर्तन? अब वो बहुत भोर से उठकर नियमित रूप से अपने पाठ सीखने जाता है। संपूर्ण दिवस ध्यान लगाकर वो एकाग्रता से शिक्षा प्राप्त करता है। अब तो उसका क्रोध भी शांत हो गया है। हाँ, अब वो अन्य बालकों को प्रताड़ित भी नहीं करता है, अपितु उनकी सहायता करता है। अब तो वो मांसाहारी भोजन भी नहीं करता है। क्या? अर्थात ये गुरु मेरे पुत्र की दासूरी प्रवृत्तियां नष्ट कर रहा है। कौन है ये नवीन गुरु और मेरे पुत्र के सभी को आतंकित करने वाले स्वभाव को परिवर्तित करने वाला ये कौन होता है? कहाँ है वो? बताओ मुझे कहाँ है वो? गुरुकुल में स्वामी। गुरुकुल? स्वामी उसे अपने पाठ को समाप्त करने दीजिए। शांत रहो तुम, मैं जब चाहूंगा अपने पुत्र से जाकर भेंट करूंगा। पाठ का समय है तो होगा, समय का बंधन मुझे रोक दे ये क्या संभव है? स्वामी, ज्ञानारी अब भैया से भेंट करने जा रहा है। यदि ज्ञानारी ने उनसे कुछ अनुचित कह दिया तो भैया आवेशित हो उठेंगे। इतना दुस्साहस कैसे किया तुमने? ज्ञानारी के पुत्र को इस प्रकार धरती पर बिठाने का दुस्साहस कैसे किया? हे ऋषि, मेरा प्रश्न नहीं सुना तुमने? लोक विजेता असुर राज ज्ञानारी के पुत्र को इस प्रकार धरती पर बिठाने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? ऐसी दृष्टि गाड़े मुझे क्यों ताक रहे हो? मौन क्यों हो? मेरे प्रश्न का उत्तर दो। पिताश्री, प्रणाम पिताश्री। मेरा दंभी और आसुरी प्रवृत्ति युक्त पुत्र स्वयं आगे बढ़कर मेरे चरण स्पर्श कर रहा है। दकिनी उचित कहती है, परिवर्तन तो बहुत है इसमें। मुझे क्षमा कीजिए पिताश्री, मैं अपने ध्यान में इतना गहरा डूब गया था कि आपके आगमन का ज्ञात ही नहीं हुआ मुझे। पुत्र सुबोध, तुम्हें क्षमा याचना करने अथवा मेरे चरण स्पर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आओ, अपने पिता के वक्ष से लग जाओ। पिताश्री, ये गुरु स्कंद है और इन्होंने मुझे सिखाया है जो सुख पुत्र को अपने पिता के चरण स्पर्श करके प्राप्त होता है वो सुख अतुलनीय है। और आज आपकी चरण रज अपने मस्तक पर धारण कर मुझे उसी सुख का अनुभव हुआ है पिताश्री, मैं कृतार्थ हो गया। उचित है, इस गुरु का प्रभाव तो मेरे पुत्र पर उचित ही है। पिता पूजनीय है, इसे ये सिखाकर पिता अर्थात मेरे प्रति पूर्ण भक्ति का भाव जागृत कर रहा है ये मेरे पुत्र में। अच्छा, और क्या सिखाया है ये तुम्हारे नवीन गुरु ने? भक्ति के अति सुंदर सुमधुर अनुभव का ज्ञान दिया है इन्होंने मुझे। भक्ति? किसकी भक्ति? ईश्वर की भक्ति। और कौन है तुम्हारा ईश्वर? वही ईश्वर पिताश्री जो सर्वत्र है, सर्वस्व है, सब में है, सब कुछ है, आप है। वाह वाह, उत्तम, अति उत्तम पुत्र। मुझे प्रसन्नता है कि तुम मेरे पुत्र को
उचित ज्ञान प्रदान कर रहे हो। मैं तो मात्र एक माध्यम हूं पुत्र सुबोध को सत्य की दिशा में अग्रसर करने का। पुत्र, क्या तुम अपने ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहोगे? दर्शी क्या मुझे गणेश जी के दर्शन करवाने जा रहे हैं? उनके दर्शन कर दो, मुझे अत्यंत आनंद आएगा। आवश्यक पिताश्री। आओ, तो फिर विलंब किस बात की? चलो मेरे साथ। जाओ वत्स, उन चार शब्दों का मंत्र तुम्हें प्रदान कर मैंने तुम्हें समस्त सृष्टि का ज्ञान दिया है। अब मेरे उस पाठ का सदा स्मरण रखना, तो कोई भी कठिनाई तुम्हें स्पर्श तक नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब ईश्वर सदैव तुम्हारे साथ है। हाँ हाँ, वो तो है, ईश्वर सदैव सुबोध के साथ है। मुझे आशीष दीजिए गुरुवर। आयुष्मान भव पुत्र। मेरा पुत्र किसी अन्य के समक्ष झुके, ये असहनीय है मेरे लिए। चलो पुत्र, मैं आज अति गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा पुत्र अब मुझे ईश्वर तुल्य समझने लगा है। मैं अति उत्साहित हूँ कि पिताश्री स्वयं मुझे उन वास्तविक भगवान के दर्शन करवाने ले जा रहे हैं, जहाँ स्वयं गणेश जी हैं। सुबोध, तुम्हारा आगे का मार्ग अनेक कठिनाइयों से भरा होगा, किंतु तुमने गणेश जी का नाम अपने हृदय में धारण किया है, तो अब उनकी वही भक्ति तुम्हारी शक्ति भी बनेगी। ये तो आप है पिताश्री। भक्ति के अति सुंदर सुमधुर अनुभव का ज्ञान दिया है इन्होंने मुझे। वही ईश्वर पिताश्री, जो सर्वत्र है, सर्वस्व है, सब में है, सब कुछ है, आप हैं। मैं ही तो हूँ ईश्वर। तुम्हारे गुरु ने भी तुम्हें नहीं बताया कि मैं कैलाश, ब्रह्मलोक, वैकुंठ, स्वर्गलोक सब पर विजय प्राप्त कर त्रिलोक का एकमात्र स्वामी हूँ। मैं ही एकमात्र ईश्वर हूँ, और अब सब मेरी ही पूजा करेंगे, मेरा ही नाम जपेंगे। नमो ज्ञानार्य नमः। पिताश्री, आपने सर्वथा उचित कहा, किंतु ईश्वर केवल त्रिलोक के ही स्वामी नहीं, अपितु वे तो सर्वत्र हैं, अर्थात संसार के कण कण में स्थित है। वो पंचभूतों में है। वो ईश्वर जो आप में और मुझ में समाहित है, वो ईश्वर आप नहीं है पिताश्री, वो तो मेरे प्रभु परम ब्रह्मा गणेश जी हैं। वो अनंत अविनाशी परम ब्रह्मा मेरे प्रभु हैं, आपके प्रभु हैं। मेरा पुत्र गणेश को अपना ईश्वर बुला रहा है। क्या क्या कहा तुमने? मैंने सत्य कहा पिताश्री, हम तो साधारण जीव हैं। हम भांति भांति के मोह माया में फंसकर अपनी अंतर्दृष्टि खो बैठते हैं। कभी इस तन से मोह, तो कभी सांसारिक सुखों का मोह। हमारा मन इन्हीं बंधनों में बंध कर रह जाता है, और हम इसी प्रकार हमारा संपूर्ण जीवन
व्यर्थ गवा देते हैं। इसीलिए पिताश्री, मेरा तो आपसे भी अनुरोध है कि आप सभी प्रकार के मोह के बंधनों से मुक्त हो जाइए, त्याग दीजिए ये सब और गणेश जी की भक्ति में लीन होकर देखिए। पिताश्री, आप भी गणेश जी का नाम जपिए तो आपको भी उसी सुख और शांति का अनुभव होगा जो मुझे हो रहा है। ओम गणगणपते नमः, ओम गणगणपते नमः, ओम गणगणपते नमः, ओम गणगणपते नमः। सुबोध, सुबोध, तुम्हारी इतनी धृष्टता कि मेरे ही समक्ष मेरे शत्रु का गुणगान कर रहे हो। तुम्हें क्या थी क्या उस गणेश के विषय में? मेरे पिता, तुम्हारे पितामह असुरराज दुर्बुद्धि का वधिक है, ज्ञात है। किंतु पिताश्री, गणेश जी तो किसी के भी शत्रु नहीं। जब उनके भक्तों से भी कोई भूल हो जाती है तो वो उन्हें उचित मार्ग पर आने का अवसर प्रदान करते हैं। वो तो मात्र उन्हें ही दंड देते हैं जो सभी सीमाओं का उल्लंघन कर धन के पद से इतना भटक जाता है कि उनका सुपद पर लौटना ही असंभव हो जाता है। पिताश्री, जब गणेश जी के द्वारा पितामह का अंत हुआ तो उसके साथ साथ उनके सारे पाप भी मिट गए। इसीलिए पिताश्री, गणेश जी ने उनका वध कर उन पर कृपा ही की है। वो गुरु उस दुष्ट ने ही मेरे पुत्र की मति भ्रष्ट की है। ये सब उस गणेश का ही छल है। मेरे ही निवास में प्रवेश कर मेरे एकमात्र पुत्र की बुद्धि दूषित की है। उस गुरु को मेरा निकट लाओ, अब मैं उसका वध करूंगा। बहुत गुणगान कर रहे हो ना उस गणेश का, अब देखना तुम्हारे समक्ष तुम्हारे गुरु का निर्मम वध करूंगा। जब मेरे खड़क के वार से उसका शीश धड़ से अलग होकर तुम्हारे चरणों में गिरेगा, तब समझ आएगा कि गणेश के भक्तों का क्या परिणाम होता है। ओम गणगणपते नमः, ओम गणगणपते नमः, ओम गणगणपते नमः। हे ऋषि, हे ढोंगी ऋषि, सुना नहीं तुमने? चलो उठो, त्रिलोक विजेता महाराज ज्ञानारी ने तुम्हें बुलाया है। तुम्हारे युवराज को पद भ्रष्ट करने का कठोर दंड प्राप्त होगा तुम्हें। पद भ्रष्ट नहीं, तुम्हारे युवराज को सुपथ पर लाने का सुकार्य किया है मैंने। ये ढोंगी ऋषि ऐसे नहीं मानेगा। बांध लो इसे और खींच कर ले चलो असुर महाराज के पास। यो, अब ऐसे नेत्र खुल गए तुम्हारे? नेत्र तो अब तुम्हारे खुलने जा रहे हैं असुर सैनिकों। पकड़ो इसे, घेर लो और बांध लो इसे। अस्त्रों को नष्ट कर दिया इसने, ये कैसे संभव है? ये तो अवश्य कोई मायावी ऋषि है। मायावी नहीं, योद्धा ऋषि हूं मैं। असुरों, पकड़ लो इस दुष्ट ऋषि को। इतना समय क्यों लग रहा है मेरे सैनिकों को एक साधारण से ऋषि को बंदी बनाकर लाने में? किंतु पिताश्री, गुरु स्कंद कोई साधारण ऋषि नहीं।
और हो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो मेरे मन में गणेश जी के प्रति भक्ति जागृत की है। पुत्र सुबोध, कदाचित मैं तुम्हारे प्रति कठोर हो रहा हूं। मैं त्रिलोक विजय करने गया था और यहां तुम्हारी देखरेख के लिए ये थी तुम्हारी मूर्ख माँ, जो किसी अयोग्य गुरु को मार्ग से उठाकर तुम्हारा गुरु नियुक्त कर दिया। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है पुत्र। यही परिणाम होता है जब एक पुरुष त्रिलोक के भावी अधिपति की देखरेख का कार्यभार एक निर्बल नारी पर छोड़ दे। तुम्हारे पिता यह नहीं थे, तुम्हें अपने मार्गदर्शन के लिए एक पुरुष की आवश्यकता थी, और तुम्हें प्राप्त हुआ ये ऋषि। और तुमने अपनी अपरिपक्व बुद्धि से उसकी मिथ्या सीखों को स्वीकार कर लिया। एक बार ये ऋषि मेरे समक्ष प्रस्तुत हो जाए, फिर तुम्हें दिखा दूंगा कि ये ढोंगी है। फिर तुम्हारी बुद्धि पे पड़ी ये गणेश महिमा का मिथ्या आवरण स्वतः ही हट जाएगा। पिताश्री, मिथ्या आवरण तो अब तक मेरी बुद्धि पर था, जिसे गुरु स्कंद ने मिटाया। आप कृपा कर सुनिए मेरा निवेदन, उनके समक्ष जाकर उनका मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए। उन्हें आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने और आपके हृदय में ईश्वर और ईश्वर के प्रति भक्ति भाव जागृत करने का अवसर दीजिए। कहाँ रह गए वो सैनिक? मुझे वो ढोंगी ऋषि अभी इसी क्षण यहाँ चाहिए मेरे समक्ष। इस अवस्था में गुरु स्कंद, सुबोध, मैं महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय हूं, तुम्हारे प्रभु गणेश जी का अग्रज। अब मुझे यहां से प्रस्थान करना होगा, किंतु तुम गणेश जी में अटूट विश्वास रखना, तुम्हारी भक्ति ही तुम्हें उन तक पहुंचा देगी। स्वयं गणेश जी के अग्रज कुमार कार्तिकेय से शिक्षा प्राप्त कर मैं तो कृतार्थ हो गया। यह क्या हो रहा है? महाराज, उस ऋषि ने हमारे सभी सैनिकों को आहत कर दिया है, अब यहाँ वो कहीं नहीं है। देखा पुत्र, क्या क्या तुम्हारे गुरु ने, उस ढोंगी ऋषि ने। पिताश्री, आप उनके लिए कुशब्द मत कहिए, वो मेरे गुरु हैं, और गुरु की निंदा करना पाप होता है। कल के आए गुरु की निंदा असहनीय है तुम्हें, किंतु अपने पिता त्रिलोक विजेता त्रिलोक अधिपति का इतना बड़ा अपमान करके चला गया तुम्हारा गुरु, वो देख सकते हो तुम। पिताश्री, भारी शत्रुओं को पराजित कर ब्रह्मांड पर तो विजय प्राप्त कर ली आपने, किंतु अपने आंतरिक शत्रुओं को नष्ट नहीं कर पाए आप। आंतरिक शत्रु,
कौन है यह आंतरिक शत्रु? वही पिताश्री जिसका आपके भीतर निवास है। काम, क्रोध, लोभ और मोह। पूर्व में मैं भी आप ही की भांति क्रोध करता था, किंतु जब से मैंने गणेश जी के नाम का जाप आरंभ किया है, मेरे आंतरिक शत्रुओं का स्वतः नाश हो गया। मैंने उन पर विजय प्राप्त कर ली पिताश्री। आप मेरा सुझाव माने तो आप भी मेरे साथ गणेश जी के नाम का जाप आरंभ कीजिए। बहुत सुंदर और मधुर है उनके नाम का जाप। बस बहुत हुआ। पुत्र प्रेम में मैं तुम्हें निरंतर अवसर देता गया, किंतु तुम्हारी दंडता बढ़ती ही चली गई। किंतु अब मैं तुम पर कोड़े बरसाकर तुम्हारे भीतर सुबुद्धि जागृत करूंगा। ओम गण गणपते नमः। 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 गणेश, तुम्हारी योजना के अनुसार हमने सुबोध के हृदय से घृणा का बीज हटाकर उसमें भक्ति और प्रेम का बीज बो दिया है, किंतु तुम्हारे प्रति उसकी भक्ति देखकर ज्ञानरी तुम्हारे भक्त सुबोध को अवश्य दंडित करेगा। भैया, जैसे एक दीपक अपनी लौ से अनेक दीपक प्रज्वलित कर सकता है, उसी प्रकार सुबोध भी अपने पिता के भीतर अंधकार हर ज्ञानारी में भी प्रेम और भक्ति उत्पन्न करने का प्रयास करेगा। तुम उचित कह रहे हो गणेश, किंतु यदि सुबोध अपने पिता का हृदय परिवर्तन करने में असमर्थ रहा तो क्या वो सदा ज्ञानारी के कठोर दंड का भागी बनता रहेगा? भैया, मैं ज्ञानारी को सुधरने का, सन्मार्ग पर आने का एक समुचित अवसर दूंगा, किंतु जब उसके पापों की गागर भर जाएगी तब उसे उसके कर्मों के अनुरूप दंड भी दूंगा मैं। और रही बात सुबोध की, तो एक भक्त को उसका भगवान कभी एकाकी नहीं छोड़ता, चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए। सुबोध मेरी भक्ति की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाला भक्त है, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो वो सदा विजयी ही होगा। अभी तुम्हारी गणेश भक्ति तुम्हारे तन और मन दोनों से बाहर निकालूंगा मैं। गणपते नमः। नहीं स्वामी, रुक जाइए। माँ, राणेश्वर, रुक जाइए, दया कीजिए। सुबोध के लिए उस गुरु का चयन तुम्हीं ने किया था ना? अब देखो, देखो कैसा परिणाम हुआ है उसका। मेरा पुत्र मेरे ही समक्ष मेरे शत्रु का नाम जप रहा है। इस अपराध का दंड तुम दोनों पर कोड़े बरसा कर ही देना चाहिए मुझे। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है स्वामी, उसके लिए मुझे क्षमा करें। जितना दंड देना चाहे दे दे मुझे, किंतु किंतु सुबोध मात्र एक बालक है, उसे ताड़ना मत दीजिए, उसे दंडित मत कीजिए स्वामी, मत कीजिए। करूंगा, अवश्य करूंगा, तुम दोनों को दंडित करूंगा मैं। बस प्राणेश्वर, बस दया कीजिए, कृपा कीजिए, दया कीजिए स्वामी। माँ, माँ आप कुशल तो है ना? माँ, तुम पे प्रहार पे प्रहार हो रहे हैं, फिर भी तुम मेरा कुशल पूछ रहे हो, किंतु तुम पे इतने प्रहार हुए फिर भी तुम्हारे तन पर एक घाव भी नहीं हुआ, ये कैसी माया है पुत्र? माया नहीं माँ, ये तो भक्ति है।
गणेश जी की भक्ति, और ये भक्ति मेरे कण कण में समा गई है माँ। अब मेरी चिंता मत कीजिए, मैं तो इस भक्ति से तृप्त हो गया। बस बंद करो अपना ये अनर्गल प्रलाप, मूर्ख बालक। क्या कहा तुमने? गणेश की भक्ति से तृप्त हो गए हो? तुम्हें तृप्त का अर्थ क्या थी कहा है? तुम एक युवराज हो, मैंने तुम्हें सभी सुख सुविधाएं दी हैं। रेशम के बिछौने में विश्राम करते हो, उत्तम से उत्तम भोजन ग्रहण करते हो, भव्य राजमहल निवास स्थान है तुम्हारा, भोग विलास की सुविधाओं के मध्य गणेश का नाम जपना अत्यंत सरल है। किंतु यदि दो दिवस कारावास के अंधकार में रहने पर विवश हो गए, जल और भोजन से रिक्त रहकर गणेश के नाम का जाप करोगे, तब बताना मुझे कि गणेश की भक्ति से कैसी तृप्ति का आभास होता है तुम्हें। बंदी बना लो इसे और फेंक दो इस बालक को कारावास में, जब तक ये मुझे ईश्वर स्वीकार ना करे। भोजन का एक और भी प्रस्तुत मत करना इसे। पिताश्री, मुझे आपका ये आदेश स्वीकार है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। ओम गण गणपते नमः। 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 ओम गणेश जी के नेत्रों में अद्भुत चमक है, उनके मस्तक पर शुभ्र कांति है और उनकी अति सुंदर सूंड भी है। उनका रूप, उनका सौंदर्य मनमोहक। गणेश जी के दर्शन हेतु तुम्हें उनके मंत्र का उच्चारण करना होगा। ओम गण गणपते नमः। महारानी, अब भोर से रात्रि हो गई, आपने तनिक भी भोजन ग्रहण नहीं किया, अपने तन को इतना दंड क्यों दे रही हैं आप? अधिक नहीं तो एक कौर तो प्राप्त कीजिए। मेरे पुत्र को भोजन प्राप्त हुआ क्या? देवी, आपको तो ज्ञात है ये महाराज का आदेश है कि युवराज सुबोध को। मैं भी तभी भोजन ग्रहण करूंगी जब मेरा पुत्र करेगा। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। पुत्र गणेश, तुम कुशल तो हो ना? क्या बात है पुत्र, तुमने तो भोजन का स्पर्श तक नहीं किया। माँ, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछने की अनुमति है? हाँ पुत्र, अवश्य पूछो अपना प्रश्न। माँ, यदि आपको ये ज्ञात हो जाए
कि आपका एक भक्त भूखा है तो आप क्या करेंगी माँ? पुत्र गणेश, एक भक्त के लिए तो उसके भगवान ही उसके माता पिता के समान होते हैं, और माता पिता के होते हुए एक पुत्र भला भूखा कैसे रह सकता है? हाँ, उचित है माँ, माता के होते हुए कोई पुत्र भूखा रह ही नहीं सकता, और पुत्र के होते हुए भी माँ भूखी नहीं रह सकती। तो फिर आप मुझे भोजन कराइए ना माँ। अवश्य पुत्र, ये लो तुम्हारे प्रिय मोदक। आहा, प्रिय मोदक। मेरा प्रिय भक्त सुबोध भोजन से वंचित नहीं रह सकता। माँ, पुत्र सुबोध, पुत्र। माँ, मेरा सुबोध। किंतु तुम कारावास से बाहर कैसे आए पुत्र? माँ, कारावास के रक्षक मेरे प्रति स्नेह की भावना रखते हैं, और उन्होंने ही मुझे आपसे मिलने की अनुमति दी है। और माँ, उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आपका तनिक भी भोजन ग्रहण नहीं किया है, इसीलिए मैं आपको भोजन खिलाने आया हूँ। आइए बैठिए। ये लीजिए माँ। माँ खाइए। माँ, मुझे निद्रा आ रही है, मुझे अपने आंचल में भरकर निद्रा में डूबने दीजिए। आओ पुत्र सुबोध। गणपति नमः। मिथ्या आवरण तो अब तक मेरी बुद्धि पर था, जिसे गुरु स्कंद ने मिटाया। आप मेरा सुझाव माने तो आप भी मेरे साथ गणेश जी के नाम का जाप आरंभ कीजिए। गणेश, तुम्हारे मन में ये भ्रम कैसे उत्पन्न हो गया कि तुम मेरे पुत्र की बुद्धि को प्रभावित कर सकोगे? वो मेरा पुत्र है, असुर साम्राज्य का युवराज है वो, उसे उचित मार्ग पर कैसे लाना है ये ज्ञात है मुझे। उसे इतना प्रताड़ित करूंगा
कि तुम्हारी भक्ति का त्याग कर तुमसे घृणा करने लगेगा वो उसके हृदय में तुम्हारे नाम का लेश मात्र भी मिटा दूंगा मैं।